मोहब्बत में प्रेमी ने महबूबा को उतारा मौत के घाट और खुद भी मौत को गले लगाया। जी हाँ, यह घटना नवी मुंबई का है जिसमें एक 19 वर्षीय वैष्णवी बाबर युवती को उसका प्रेमी वैभव अपने साथ घूमने ले गया था। वैष्णवी अपने घर वाले को यह कहकर निकली थी कि वह मुंबई साइन अपने कॉलेज जा रही है, पर जब काफी समय बीत गई और उसके बाद भी जब वो अपने घर नहीं लौटी तो उनके पिता और माता को चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने कलमबोली पुलिस थाने में वैष्णवी के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं दूसरी तरफ 12/12/2023 को वैभव ने जूई नगर रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन के नीचे आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी शिकायत वासी रेलवे स्टेशन के रेलवे पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया था। नवी मुंबई कलमबोली पुलिस लापता वैष्णवी की गुत्थी को नहीं सुलझा सकी थी। यही वजह रही कि इस केस की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को 6/1/2024 को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच ने लापता वैष्णवी की गुत्थी सुलझाने के लिए अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिए और फिर दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वहीं वैष्णवी का फोन कॉल रिकॉर्ड भी खंगाला गया। तब क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मियों को एक नंबर बार बार नजर आया और जब उस नंबर की जांच की गई तब पता चला कि यह नंबर वैभव का है। तब वैभव के घर वालों से संपर्क किया गया, तब ज्ञात हुआ कि 12/12/2023 को उसने अपनी जान रेलवे के सामने कूद कर दे दी थी और उसका फोन रेलवे पुलिस के पास जमा है। फिर क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए वैभव का फोन अपने कब्जे में ले लिया और फिर फोन के व्हाट्सएप और फोटोज की जांच की गई। तब क्राइम ब्रांच को ज्ञात हुआ कि वैभव और वैष्णवी एक दूसरे के प्रेम में थे। वहीं वैभव ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें वैष्णवी को मौत के घाट उतारने की बात कही गई थी, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच को यह पता चल गया कि अब वैष्णवी इस दुनिया में हमेशा के लिए जा चुकी है। जहां क्राइम ब्रांच को लग रहा था कि उसने लापता लड़की की गुत्थी सुलझा ली है, वहीं बात उलझ गई कि अगर वैष्णवी को मौत के घाट उतारा जा चुका है तो उसके बॉडी कहाँ है। वैभव के खत में एक नंबर का जिक्र आया था जिसे सुलझाना लोहे के चने चबाने जैसा था। तब पुलिस ने फिर फोन लोकेशन के एरिया पर ध्यान केंद्रित किए तो उन्हें लगा कि वह वैष्णवी की बॉडी तक पहुंच गए, क्योंकि उनका लोकेशन खरगर हिल्स था। पहले क्राइम ब्रांच खोजते रहे, तब उन्हें लगा कि वैष्णवी की बॉडी को जंगल में ढूंढना ठीक रेत में सुई खोजने की तरह है, लेकिन किसी ने कहा है कि जहां चाह वहां रहा। उन्हें अचानक वह कोड नंबर याद आया क्योंकि काफी पेड़ों पर नंबर नजर आया और यही वजह थी कि क्राइम ब्रांच ने जांच की कि जंगल में पेड़ कौन लगाता है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वन विभाग के साथ साथ सिडको भी जंगल में पेड़ लगाए हैं। तब क्राइम ब्रांच, वन विभाग, सिडको, फायर ब्रिगेड साथ ही रेस्क्यू टीम के साथ अब पहाड़ों में खोजने की अभियान की शुरुआत की है। वही क्राइम ब्रांच किसी अफसर को खोना नहीं चाहते थे, उन्होंने पहाड़ों में ड्रोन उड़ाकर खोजने की शुरुआत कर दी, जिसके बाद उनके पास L01501 पेड़ तक सभी पहुंच गए, जिसकी वजह से एक हत्या की गुत्थी सुलझ गई। आपको बता दें कि वैष्णवी की बॉडी पूरी तरह से गल गई थी, उसके कपड़े और घड़ी और कॉलेज के आई कार्ड से पहचान हो पाई। तब साफ हो गया कि प्रेमी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतारा था, पर यह बताने वाला आपको इस दुनिया में नहीं रहा कि आखिर वो किस बात से एक दूसरे से नाराज हुए और वो कौन सी ऐसी बात थी कि प्रेमी आप से बाहर हो गया और उसने प्रेमिका को मौत की नींद सुला दी। इस हत्या की गुत्थी को बामुश्किल सुलझा लिया गया है। इसी बात की जानकारी देने के लिए पुलिस मुख्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने जानकारी दी। आप भी सुने उनका क्या कहना था। नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में कलमबोली पुलिस स्टेशन में 12 दिसंबर 2023 को एक मिसिंग रजिस्टर होता है, जिसमें एक लड़की कॉलेज को जाने के लिए करके घर के बाहर निकलती है। जिस दिन रजिस्टर्ड होता है 12 तारीख को, उसी दिन वाशी रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन में एक एडीआर रजिस्टर होता है, जिसमें एक लड़के ने जूई नगर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के नीचे अपनी जान दे के खुदकुशी की है। और लड़के के पास एक मोबाइल मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है, और उसके नीचे सुसाइड नोट के नीचे LO501 ऐसा एक नंबर लिखा हुआ मिलता है। 12 तारीख को जब ऑफेंस रजिस्टर मिसिंग रजिस्टर होती है, उसके बाद 6/1/2024 को ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच नवी मुंबई के HTU ब्रांच के पास आता है। PI अहेर और उनकी टीम ने इसमें कुछ रेस्क्यू टीम्स, प्राइवेट रेस्क्यू टीम्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और सिडको और फायर ब्रिगेड, इनके साथ ड्रोन के माध्यम से 7 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्च ऑपरेशन किया पूरे जंगल में। जब उपयुक्त तो जानकारी नहीं मिली, तब हमने LO501 इस चीज के बारे में पता किया। एक पेड़ है जो लगाया हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसके बाजू में 7-8 फीट पे
ये डेड बॉडी हमको एक डिकम्पोज अवस्था में मिली है, जिसकी हमने छानबीन करने के बाद पता चला कि ये उसी लड़की की डेड बॉडी है जिसकी मिसिंग कलमबोली पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसका मर्डर उसके बॉयफ्रेंड ने करके उसने खुद ने भी उसमें सुसाइड कर ली है। उसकी कुछ चीज़ें जो जैसे वॉच है, कॉलेज का आई कार्ड है, इससे आइडेंटिफिकेशन से डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। लापता युवती को खोजते खोजते हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि कोड वर्ड में हत्या का सुराग छुपाया गया था। उस अनसुलझी पहेली को क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया, वह काबिले तारीफ है। इसलिए दोस्तों, पुलिस विभाग के अथक मेहनत पर उनके हौसला अफजाई के लिए एक सलाम तो बनता ही है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।